हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की हो, अगर नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। लेट सी टूडेज टॉपिक, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को SDLC लाइफ साइकिल भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें SDLC फ्रेमवर्क यूज होता है। उसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल में भी वही प्रोसेस यूज होती है जो प्रोसेस फ्रेमवर्क के टाइम पर ही थी, वही पांच: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेप्लॉयमेंट। लेट्स सी वन बाय वन। ये इस वे से साइकिल होती है, पहले कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट। इस वे से पूरी SDLC साइकिल वर्क करती है। लेट्स सी कम्युनिकेशन। एट द कम्युनिकेशन टाइम हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। हमें कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर कौन सा फीचर सॉफ्टवेयर में चाहता है, वो सारी चीज़ें हमें कम्युनिकेशन टाइम पे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट गैदर करनी चाहिए। प्लानिंग, हमारा कम्युनिकेशन फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट हमें सॉफ्टवेयर का प्लानिंग करना चाहिए। ये प्लानिंग फेज में हमें सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, मॉडल, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब का भी प्लान करना चाहिए। मॉडलिंग, हमने जब सक्सेसफुल प्लानिंग क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर की डिजाइन क्रिएट करनी चाहिए। हमारी डिजाइन इस वे में होनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या यूजर की नीड है वो सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे डिजाइन को सॉफ्टवेयर की नीड ही फुलफिल नहीं कर रही। कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने सॉफ्टवेयर की डिजाइन मॉडलिंग फेज में डिफाइन की हुई है, उस बेस पे हमें सॉफ्टवेयर का कोडिंग स्टार्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट, जब हमारा सॉफ्टवेयर का कोडिंग खत्म हो जाए, तब हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म करने होते हैं। उस टेस्टिंग के बाद हमें यूजर से फीडबैक लेना होता है। अगर यूजर को सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस चाहिए, तो इस फेज से हमें फिर से कम्युनिकेशन से स्टार्ट करिए, ये सारे स्टेप फिर से परफॉर्म करने होंगे। थैंक यू।